पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी पर चीन के साथ भले ही डिसएंगेजमेंट हो गया हो, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। शनिवार को थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार एक्सरसाइज के जरिए अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को परखा। भारतीय सेना ने एक बयान जारी करके बताया कि अपने 2 दिन के लद्दाख सेक्टर के दौरे के दौरान थलसेना प्रमुख जनरल पांडे ने पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास को देखा। एक्सरसाइज के दौरान बॉर्डर पर तैनात सैन्य कमांडर्स ने थलसेना प्रमुख को ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी दी। जनरल पांडे ने सेना के अधिकारियों और सैनिकों के साथ बातचीत की और उनकी दृढ़ता और पेशेवर मानकों के लिए उनकी सराहना भी की। सेना ने एक्सरसाइज की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर से चिनूक हेलीकॉप्टर को जीप को आसमान से ले जाते हुए देखा जा सकता है। साथ ही K9 वज्र और बोफोर्स तोप, BM ग्रेड मल्टी रॉकेट लॉन्चर, T90 भीष्म टैंक और BMP व्हीकल साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसके अलावा एक झील में सैनिक एम्फीबियस अटैक करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर सैनिक अपने हथियारों और स्टोर्स के साथ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनरल पांडे खुद सेना की नई ATV जीप में सवार दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी ऑपरेशन के दौरान पर्वत प्रहार में ही एक पैरा कमांडो नायक सूरजपाल की पैराशूट न खुलने से मौत हो गई है। सूरजपाल उत्तर प्रदेश के हाथरस के निवासी थे। आपको बता दें कि ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है, इस दौरान पिछले हफ्ते भी एक ऐसी ही मौत हुई थी। 29 अगस्त को भी एक पैरा SF बटालियन के पैरा ट्रूपर नायब सूबेदार हरिवीर सिंह की लेह सेक्टर में एक एक्सरसाइज के दौरान मौत हो गई थी। इस एक्सरसाइज के दौरान पैराट्रूपर्स को आसमान से पैराजंप यानी पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरना था, लेकिन पैराजंप के दौरान किसी गड़बड़ी के कारण नायब सूबेदार हरिवीर सिंह का पैराशूट नहीं खुला और अब दूसरा ऐसा मामला सामने आया है। हालांकि जनरल मनोज पांडे जब वहां पहुंचे तो उन्होंने तमाम सैनिकों का हौसला अफजाई किया और कहा कि आप जो कर रहे हैं वो देश के लिए काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।